तो सुप्रीम कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का कहना है कि प्रदेश सरकार की गलती की वजह से ऐसा फैसला हुआ है। सही समय पर सही डेटा शेयर करते तो आज ये नौबत नहीं आती। कमलेश्वर पटेल से बातचीत की आईबीसी 24 की संवाददाता शालिनी हाडिया ने। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज एक बड़ा फैसला आया है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में इस समय खलबली सी मच गई है, लेकिन कांग्रेस क्या सोचती है इसको जानना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी हैं मेरे साथ। सर, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय आया है और ये जो भी निर्णय है माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, पर जो भी निर्णय आया है ये भाजपा सरकार की गलती की वजह से आया है। भाजपा सरकार अगर सही डाटा पेश करती, समय पे डाटा पेश करती, तो शायद इस तरह का निर्णय नहीं आता। कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि आपने आधी अधूरी जानकारी दी, इसलिए ऐसा निर्णय करना पड़ रहा है। मध्यप्रदेश सरकार चाहती तो वो सारी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए ओबीसी सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण करा के और चुनाव कराती, नया अध्यादेश नहीं लाती, तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। इस स्थिति को पैदा करने वाले भाजपा के नेता और भाजपा की सरकार है, और जिसकी वजह से आज ओबीसी को मिला हुआ आरक्षण छिन गया है, छिनने की कगार पर है, तो उसके लिए पूरी तरह से भाजपा सरकार, भाजपा के नेता, आरएसएस के लोग जिम्मेदार हैं। और कहीं ना कहीं हम तो कह रहे हैं कि अब हम लोग रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। कितनी बार रिव्यू करेंगे? पहली बात तो सीएम साहब को सोचना चाहिए, 18 साल से मुख्यमंत्री है, 15 साल पहले भी रहे, एक भी बार ओबीसी के हित में कोई निर्णय नहीं लिया। 27% आरक्षण दिग्विजय सिंह सरकार ने दिया था, कोर्ट में जाके उसको भी रोकने का काम किया, इनने अच्छे से पैरवी नहीं किया। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, नया फिर नोटिफिकेशन कर सकते थे, विधानसभा में ला सकते थे, उसका री नोटिफिकेशन कर सकते थे, उन्होंने एक भी बार पैरवी नहीं की। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहने वाला है अब? क्या कांग्रेस, तो देखिए माननीय न्यायालय के पास कांग्रेस भी जाएगी, पर सच बात ये है कि माननीय न्यायालय में जब तक सरकार सही जानकारी नहीं देगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, सीधा आरोप है कांग्रेस का कि जानकारी के अभाव के कारण ये जो लंबी प्रक्रिया है वो बढ़ते जा रही है, और उसके साथ इस समय सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रिव्यू पिटीशन जारी करेंगे, उसके बाद अब और ज़्यादा घमासान जो है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। कैमरा संतोष जटवान के साथ शालिनी हाडिया, आईबीसी 24 इंदौर।